टॉपिक भी बताइए ताकि लोग और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकें। ओके ओके। आई एम डॉक्टर हनाफर यासीन। मैंने खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर से एमबीबीएस किया था और अभी करंट फौजी फाउंडेशन मेडिकल सेंटर में एज ए मेडिकल ऑफिसर काम कर रही हूँ। साथ सेहत कहानी में एज ए टेली मेडिसिन फिजिशियन काम कर रही हूँ वेरी गुड। और बाकी बस पढ़ाई चल रही है कंटिन्यूस साथ साथ। चलिए अल्लाह ताला आपको कामयाब करे इसी तरह से जैसा बाकी इतना ज्यादा सफर बड़ा आपका हुआ, ये भी आपका अल्लाह पाक बेहतर तरीके से इसको कंप्लीट करवाए। मेरा नाम तैयब हबीब है जी, मैं सीनियर लेक्चरर हूँ किसी यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में, और उसके साथ साइकोलॉजिस्ट भी हूँ और योगा एक्सपर्ट भी हूँ, चीजों को इस तरह से भी देखा जाता है। तो जब लोगों ने सोसाइटी के बच्चों ने डिस्कस किया कि डॉक्टर ना हमारे साथ आ रही है और वो इंटरेस्टेड है कि हम लोग इस पे करें, तो मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि ये एक ऐसा इशू है जिसको लोग नहीं उस तरह से अभी भी समझ रहे कि कितना ज्यादा ये डेंजरस हो सकता है, इसके जो इफेक्ट्स हैं वो किस तरह से हमें देखने पड़ सकते हैं। क्योंकि आज जैसे अभी आपके आने से पहले बात कर रहा था कि टेस्टिंग का इतना ज्यादा रुझान नहीं है कि हम लोग टेस्ट अपना हेल्थ को उतना इंडिकेट नहीं कर रहे होते चीजों को, एकदम से फिर चीजें जब हमारे सामने आती है तो उसके मसाए आते हैं। डिटेल में तो ऑब्वियसली आप ही इसके बारे में बताएंगे, तो थोड़ा सा बताइएगा डायबिटीज के हवाले से ये क्या है ताकि लोग इसके बारे में समझ सकें। जी ओवर टू यू। बिल्कुल। एक्चुअली जो आप बात कर रहे हैं ना एग्जैक्टली वही बात है। हम लोग अपनी जनरल प्रैक्टिस में भी यही चीजें देखते हैं कि जब बिल्कुल टर्मिनल स्टेज पे कोई कोई भी बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, कोई भी पहुंचता है, तब वो आता है डॉक्टर के पास। उससे पहले वो अवॉइड करता है। बाकी हम चीजों पे बहुत पैसे लगा सकते हैं, हम ब्रांड्स पे भी पैसे लगाते हैं, हम हर चीज पे वी वॉन्ट टू स्पेंड मनी, बट हेल्थ पे इतना कॉम्प्रोमाइज चल रहा है। इसीलिए तो इतनी ज्यादा यूएस में भी और बाकी भी कंट्रीज में, पाकिस्तान में भी है, लेकिन यहाँ पे टेस्टिंग हर चीज की उस लेवल की नहीं है, इसलिए वो परसेंटेज इसलिए हाथ से नहीं निकलती। लेकिन यूएस में, यूके में परसेंटेज निकलती है, तो वहाँ पे तो बहुत ज्यादा, आप समझ लें कि 1 in 10 या इस तरह से जो भी लोग हैं वो डायबिटीज से अफेक्ट हो रहे हैं। तो इसकी वजूहत ये होती है कि डायबिटीज की दो टाइप्स आ जाती है ना हमारे पास। एक डायबिटीज की टाइप 1 है और एक टाइप 2 है। ठीक है, टाइप 1 तो ये है कि उसमें बिल्कुल भी किसी किस्म की आप ये नहीं कह सकते कि वो सॉर्ट ऑफ जेनेटिक है, तो उसमें इंसान का कोई रोल नहीं है। और वो बेसिकली उसमें इंसुलिन रिक्वायरमेंट होती है टाइप 1 में ना, क्योंकि पेंक्रियाज, जो हमारी पेंक्रियाज है इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो इंसुलिन प्रोडक्शन करती हैं, वो इंसुलिन ही प्रोड्यूस नहीं कर सकती टाइप 1 में। और टाइप 2 ये होता है कि इंसुलिन प्रोडक्शन हो रही होती है, लेकिन जो हमारे सेल्स होते हैं वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं इंसुलिन को, उसके इफेक्ट को करने में, यूटिलाइज करने में। तो इंसुलिन एंटर नहीं होने दे रही होती ग्लूकोज को, इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है टाइप 2 में। इस लिहाज से ये दोनों डिफरेंट इसलिए है कि जो टाइप 1 है वो यूजुअली बच्चों में देखी जाती है, यंग एडल्ट्स में देखी, अब तो एज का कोई वैसे रहा नहीं है, लेकिन पहले यूजुअली कहा जाता था कि बच्चों में और जो अर्ली ये यंग एडल्ट्स हैं इनमें टाइप 1 होती थी और टाइप 2 50+ में होती थी। लेकिन अब टाइप 1 और टाइप 2 दोनों में ही पाई जाती है। इवन थोड़ा 40 ईयर्स के बाद भी टाइप 1 डायग्नोज हो जाती है। लेकिन इस लिहाज से ये दोनों दोनों साइड बाय साइड है, एज का अब नहीं रहा है। और टाइप 2 में ये होता है कि इसमें जो हम लोग, ये जो अभी आप बात कर रहे थे कि डेली लाइफ के जो हम लोग की ईटिंग हैबिट्स हैं और ये सारा, ये टाइप 2 पर इफेक्ट करता है। क्योंकि कोई ओबीज है, किसी की ईटिंग हैबिट शुगरी डाइट का, हाई कार्ब हाई प्रोटीन हाई फाइबर डाइट बहुत ज्यादा ले रहे हैं। अक्सर लोगों का ये भी मिथ है ना कि हम बहुत ज्यादा प्रोटीन ले रहे हैं तो जी हम फिट रहेंगे, या हम फाइबर बहुत ले रहे हैं हम फिट रहेंगे, उससे हम अपने ऑर्गन्स को डैमेज कर रहे होते हैं, उस चीज से भी हम टाइप 2 की तरफ जा रहे होते हैं। तो टाइप 2 यूजली इंसुलिन रेजिस्टेंस है और टाइप 1 में इंसुलिन बन ही नहीं रही, तो इस तो लिहाज से ये दोनों टाइप्स हैं। बाकी अब आप क्वेश्चंस जो भी पूछना चाहें साथ साथ, बड़ा मतलब एक डेंजरस ये टॉपिक आपने, अगर मैं हाँ अगर बिल्कुल पूरा एक्सप्लेन करना शुरू हो जाऊंगी तो अब 9 बज रहे हैं, सब सोना शुरू हो जाएंगे। ओके दैट्स इंटरेस्टिंग। एक्चुअली ये है कि जो आपने सिचुएशन बताई है वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो गई है, क्योंकि हम लोग तो एक्चुअली फोकस इस वक्त करते हैं अपनी यंग जनरेशन को। आपको पता है पाकिस्तान में इस वक्त जो 52% के करीब जो हम लोग यंग जितने भी जनरेशन है वो ये है, और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आप तो इसमें बड़ा मुश्किल हो गया डिफ्रेंशिएट या इस तरह से करना, क्योंकि पहले तो ये था कि टाइप 1 एंड टाइप 2 के लिए बड़ा स्पेसिफिक एज थी
लेकिन आप तो अब बता रही हैं कि आप तो किसी भी वक्त ये चीज, क्योंकि वो हमारा लाइफस्टाइल जो इस तरह का हो गया हुआ है कि हम लोगों ने ज्यादा वर्कआउट को छोड़ के और ज्यादा सिडेंट्री लाइफ है उसको ज्यादा अपना लिया, तो शायद ये भी एक इसका रीजन हो गया हुआ है। और उसके बाद फूड जो है वो जी प्रॉब्लम का है। तो टीन एज हमारी या फिर यंग जनरेशन है वो ज्यादा इसका मतलब है कि इस वक्त अलावा एक और फैक्टर ये है कि हम लोग फीडिंग हैबिट्स में हमारा इतना ज्यादा हमें नॉलेज नहीं है. हम जो चीज समझ रहे होते हैं ना कि हम मतलब ये ठीक खा रहे हैं, जो लोग इवन जो न्यूट्रिशन को भी समझते हैं कि वो भी उनसे भी मिस्टेक हो रही होती है. जैसे अभी रिसेंटली भी मैं पढ़ रही थी कि अक्सर लोग फाइबर और प्रोटीन बढ़ा देते हैं कि ये हमारे लिए अच्छा है, वो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है. यानी हम लोग शुरू से ये तो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो उस एग्जैक्टली चीज पे कंट्रोल रहा हो ना तो वो तो चीजें फिर मैनेज रहती हैं. क्योंकि आप देखें योगा में, मतलब आप योगा एक्सपर्ट हैं, आप ये समझ सकते हैं कि आप बहुत मुश्किल से किसी को कायल करेंगे. अब तो लोग वैसे उस तरफ आ रहे हैं क्योंकि जो डिजीज लोग हैं वो तो नेचुरली कहते हैं कि यार इसी से हम ठीक हो जाएं. एग्जैक्टली बिल्कुल आपने बात है बिल्कुल ठीक कही है। तो ये जो एक तो आपने दो चीजों का बड़ा बेहतर तरीके से बता दिया कि एज का उस तरह से वो नहीं रहा कोई भी, तो क्या कुछ ऐसे भी तो बायबर्थ होते हैं जेनेटिकली भी कुछ बच्चे अपने साथ इसको लेके आते हैं, उसका कितना मतलब परसेंटेज है पाकिस्तान में, या फिर कितने परसेंट चांसेस होते हैं कि अगर मदर या फादर में से किसी एक को है तो वो आगे इसको कैरी कर ले। नहीं, इसमें एक्चुअली ये है कि जो Type 1 डायबिटीज है ना, जो मतलब बाय डेफिनेशन या बाय नोट्स हम जो पढ़ा करते थे उसमें, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि Type 1 डायबिटीज 10% है और Type 2 डायबिटीज 90% है. और जो Type 1 डायबिटीज 10% है ना, उसमें ये चीज होती है कि उसमें जेनेटिक होता है. इंसुलिन बन ही नहीं रहे बॉडी में. इंसान जितनी मर्जी हेल्दी हैबिट्स, जितना मर्जी शुगर फ्री डाइट जो मर्जी कर ले, इंसुलिन उसकी बॉडी में बन ही नहीं रही. तो उसको तो इंसुलिन लेनी ही है आउटर सोर्स से. लेकिन जिनकी बॉडी में इंसुलिन बन रही है वो 90% लोग हैं. और वो लोग हैं जो कि जिनकी फैमिली हिस्ट्रीज होती हैं, जिनके रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जिनसे चांसेस होते हैं कि वो डेवलप कर लेंगे, लेकिन वो बच सकते हैं. और ये अगर Type 2 डेवलप हो गई है तो इट इज रिवर्सिबल, लेकिन Type 1 इज इरिवर्सिबल. Type 1 में तो मतलब इंसुलिन है ही नहीं ना बॉडी में सिरे से. तो उस चीज को आप 10% पे ले जाएं, और 90% इज Type 2, जिसमें जो है इंसान अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस से बहुत चीजों से इसे रिवर्स कर सकता है. ओके ओके दैट्स वंडरफुल। तो उसमें एक जो हमारा इस वक्त फूड इनटेक है या जिस तरह से हम लोग जैसा अभी आप बात कर रहे थे कि फाइबर को बहुत ज्यादा ऐड कर लेते हैं, या हम लोग कुछ प्रोटीन को बहुत ज्यादा लेना शुरू कर देते हैं, तो वो भी इसका मतलब है कि इफेक्ट कर रहा है बाय एनी मीन मोर और लेस हमें किसी ना किसी तरीके से। वो तो बहुत बड़ा फैक्टर है ना प्रोटीन और फाइबर का, तो इसका तो बहुत ही ज्यादा. क्योंकि जब आप प्रोटीन डाइट बढ़ा लेंगे तो उससे क्या होगा कि वो किडनीज पे प्रेशर डालना शुरू हो जाएगा, किडनीज इफेक्ट होना शुरू हो जाएगी. मतलब वो पॉजिटिव वे में नहीं, वो नेगेटिव वे में आपके आपके ऊपर मतलब इफेक्ट करेगा. इसी तरह अगर फाइबर बढ़ा लेंगे, जिंक की एब्जॉर्प्शन, क्योंकि जिंक इम्यूनिटी में हमने ये कोरोना डेज में तो ये चीज हमें बड़ी अच्छी समझ आ गई है कि जिंक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइक इम्यूनिटी, इंक्रीजिंग इम्यूनिटी, जिंक एंड विटामिन सी. तो नेचुरली जब फाइबर बहुत बढ़ जाता है ना तो मिनरल एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है. ठीक, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और ये जो इसमें कितना मेटाबॉलिज्म है उसका कितना इसमें रोल होता है, क्या वो उसको भी इफेक्ट करता है हमारे बॉडी के जो फूड है उसको बर्न करने में या उसको एनर्जी में चेंज करने में, अगर हम लोग प्रॉपर डाइट उस तरह से नहीं लेते जिसकी हमें जरूरत है। हाँ जी, मुझे इस बात की समझ नहीं आई, क्या आप पूछना क्या चाह रहे हैं? एक्चुअली हम लोग जो फूड कंजप्शन है जिस तरह से आज का लाइफ स्टाइल है और जिस तरह से फूड्स ले रहे हैं स्पेशली हमारी यंग जनरेशन, तो उसमें जी को ऑब्वियसली फूड को किसी तरीके से यूटिलाइज नहीं किया जाता ना, ज्यादातर बैठ के या लाइफ स्टाइल इस तरह से हो गया है जी उसके जी लिए जी एक्सरसाइजेस नहीं की जाती है इस तरह से, तो वो भी इफेक्ट कर रहा होता है, मतलब वो उस तरह से जी सबसे मेटाबॉलिज्म। पहले जो इसके रिस्क फैक्टर आते हैं ना, उसमें तो सबसे पहले हाइलाइटेड रिस्क फैक्टर ओबेसिटी है. और ओबेसिटी, हाइपरटेंशन. ओबेसिटी एंड हाइपरटेंशन आर लाइक, ओबेसिटी हो क्यों रही है? प्रोसेस्ड फूड्स जो लेते हैं, प्रोसेस्ड फूड है, राइस है, वाइट राइस की क्वांटिटी बहुत इंक्रीज होती है. उसके अलावा जितने भी प्रोसेस्ड बेकरी आइटम है वो सारे के सारे प्रोसेस रिफाइंड फ्लोर से बनते हैं या रिफाइंड शुगर्स यूज होती हैं. तो वो नेचुरली जब वो जितना बर्न बर्न कर ही नहीं रहा इंसान, बिल्कुल काउच पोटैटो है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो वो किस तरह से वो मतलब उस चीज को
वो ग्लूकोज बढ़ता ही जाएगा बॉडी में और वो फिर जाके इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप कर देगा। ऑल राइट तो उसका फिर आफ्टर आफ्टर इफेक्ट तो फिर होंगे उस तरह से, ठीक हो जी जी गया। बिल्कुल। और भी हमारे पास इस तरह से मतलब क्वेश्चन था कि हम लोग किस तरह से ऑल्टरनेट कर सकते हैं, जिस तरह से वाइट जो आप शुगर बहुत ज्यादा यूज हो रही है इस वक्त, अब किसी ना किसी तरीके से चाहे वो बेकरी आइटम्स को हम लोग देख रहे हैं या जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं हमारी जिसमें आइसक्रीम वगैरह ये वो सारी चीजें होगी, तो उसमें बहुत ज्यादा जो यूज है वो जो शुगर का स्पेशली व्हाइट शुगर का किया जा रहा है, तो उसको अगर हम लोग ऑल्टरनेट वेज में देखें तो वो क्या आप सजेस्ट करती हैं कि क्या बेहतर हो सकता है उसमें? एक्चुअली जहां तक मतलब स्टडीज और रिसर्च ने इस चीज को प्रूव किया ना कि इसका अल्टरनेट नहीं है शुगर का, जैसे अक्सर लोग कहते हैं कि जी जो मतलब अल्टरनेट यूज करते हैं जितने भी शुगर के, वो ज्यादा एडिटिव्स में और वो केमिकल ऐड होते हैं, वो ज्यादा प्रॉब्लम कॉज करते हैं। वैसे नेचुरल सोर्सेस से जो शुगर लेते हैं जैसे स्टेविया यूज कर लेते हैं, लेकिन बेसिकली ये तो वो समझ लेना कि जुबान का चस्का है उस हाँ चीज को। हाँ अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है ना स्ट्रांग, तो वो अगर इसी चीज को अंडरस्टैंड कर ले कि यार मुझे इस चीज को छोड़ना है, कुछ नहीं होता, लाइक मैं सॉल्ट कम कर लूं, एक्सरसाइज करूं, रूटीन में बैलेंस तरीके से डाइट लेते रहें, उससे कुछ भी नहीं होता। लाइक अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है तो वो टाइम पर वो प्रोसेस फूड और उनको बहुत कम करे, जंक फूड को कम ले, और अगर नहीं है तो फिर तो चले वो डेवलपमेंट की तरफ जा सकती है, किसी को भी हो सकता है, लेकिन जिनकी स्ट्रांग फैमिली हिस्ट्री है वो उस चीज को टोटल अर्ली ही कर लें तो बचे रहते हैं डायबिटीज से। ओके दैट्स वंडरफुल। तो सुनने में यही ये भी आता है कि मतलब इसका ऑल्टरनेट अगर हम लोग जागरे जो गुड़ है या शक्कर है उसको अगर हम लोग अपने फूड में शामिल कर लें सो ये उससे कुछ बेहतर है, क्या ऐसी बात आपके ख्याल में ठीक है या सिर्फ ये मतलब एक मिथ ही है इस तरह से? बेसिकली जो वाइट शुगर है, ब्राउन शुगर है, जैगरी है, ये सारे इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स सेम है, लाइक ये हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है, और जो भी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है उसका उसकी रेटिंग 70 से प्लस जाती है। जिसकी 70 से प्लस रेटिंग जाएगी वो हाई रिस्क है डायबिटीज कॉज करने का, और अगर किसी को डायबिटीज है तो वो उसके शुगर लेवल इंक्रीज करते जाएंगे। तो इसलिए लेकिन ये जो बेसिकली हम कहते हैं कि वाइट शुगर और ब्राउन शुगर, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स तो हाई है लेकिन इनकी कोई भी न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टी इनमें मौजूद नहीं होती, लेकिन जो जैगरी या गुड़ वगैरह है उसमें न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज होती हैं, उस लिहाज से जैगरी इज बेटर ऑल्टरनेट, लेकिन वो बहुत कम, जिस तरह कहते हैं कि लाइक फ्रूट्स, अक्सर लोग कहते हैं जी फ्रूट्स नहीं लें, लेकिन उसमें आप फ्रेश फ्रूट्स ले सकते हैं, वो कुछ भी नहीं कहते। इसीलिए व्हाइट और ब्राउन शुगर नहीं लें, जैगरी बहुत मतलब जुबान का चस्का जो पहले भी कहा है उसको फुलफिल करने के लिए कर सकते हैं, फायदा उसका ऐसे फायदा उसका भी कोई नहीं, उसका भी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स ही है। ओके दैट्स वंडरफुल, ये तो बड़ी इन्फॉर्मेटिव थी ये। अच्छा और इसमें जो क्वेश्चन और भी पूछा जाता है वो इस तरह से कि जिस तरह से अभी भी बता रही है कि फाइबर का भी आपने बताया, लेकिन अगर मतलब इसमें सॉल्ट अगर बहुत ज्यादा कोई यूज करता है तो वो भी किसी तरीके में आ सकता है या डायबिटिक के किसी उसमें मतलब शुगर का तो बिल्कुल, कम सॉल्ट जो उस है, सॉल्ट बेसिकली हाइपरटेंशन कॉज करेगा ना, ओके तो सॉल्ट जब हाइपरटेंसिव कोई इंसान हो जाता है तो उसके भी बेसिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये जिस तरह से जो कोमॉर्बिड कंडीशंस जिनको कहते हैं ना, वो जब साथ होती हैं तो जो ये भी एक बेसिकली मॉर्बिड कंडीशन है, डायबिटीज क्रॉनिक कंडीशन है, एक बंदे को सॉल्ट हाई सॉल्ट इंटेक की वजह से हाइपरटेंशन भी हो गई है तो उसके ज्यादा चांसेस हैं कि वो डायबिटीज डेवलप कर सकता है। इसका मतलब है कि वो भी उसके भी रिस्क उसी तरह से है कंपैरेटिवली अगर देखा जाए मैंने पहले भी दोनों। बताया हर चीज बेसिकली बैलेंस में होगी ना, बैलेंस डाइट ली जाएगी, सॉल्ट है, शुगर है, ऑयल्स हैं, इवन किसी भी किस्म का कोई फ्रूट है, वो जो भी चीज एक्सेस में लेंगे वो नुकसान देगी, जो बैलेंस में लेंगे वो ठीक है। राइट 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 तो इसमें ऑब्वियसली जो मतलब वर्कआउट हम लोग करते हैं कोई एक्सरसाइज करते हैं योगा करते हैं तो वो आपके ख्याल में वो कितना इफेक्टिव रहता है कि अगर डाइट को भी हम लोग कंट्रोल रखते हैं और जिस तरह से आपने बताया कि बैलेंस डाइट को हम लोग, एक तो डाइट हम लोग जहन में आते ही ना ये एशियन लोगों के जहन में आते ही डाइट क्योंकि बिल्कुल सब कुछ छोड़ दिया हम लोगों ने और बिल्कुल ठीक हो गए, तो बैलेंस डाइट जिस तरह से आप फ्रूट्स भी उसमें कुछ शामिल कर रहे हैं, आप उसमें प्रोटीन भी ले रहे हैं, आप कार्बोहाइड्रेट्स भी ले रहे हैं,
ये सारा अगर बैलेंस हम लोग रख रहे हैं, और उसके साथ अगर हम लोग दो तरह से बताइएगा, एक वो बंदा जो सब अपना जो फूड इनटेक है वो बड़ा बैलेंस्ड है, लेकिन वो एक्सरसाइज या कोई इस तरह से वर्कआउट नहीं कर रहा, और एक ऐसा जो पेशेंट या क्लाइंट आपका वो बैलेंस्ड डाइट के साथ साथ वर्कआउट भी कर रहा है किसी ना किसी तरीके, किसी भी फॉर्म में, तो दोनों के कितने चांसेस होते हैं कि वो अपनी जो हेल्थ है उसको मेंटेन करने में कामयाब रहता है? देखिए बेसिकली जो है ना एक्सरसाइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप भी समझ सकते हैं और ज्यादातर जो हमें सुन रहे हैं वो भी इस चीज को समझते हैं। आजकल कुछ वीडियोस भी बहुत ज्यादा वायरल हुई हुई थी जिनमें हम देख रहे थे कि जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते ओवर द वीक्स 40 डेज में उनकी बॉडी पे क्या इफेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं, वो लेजी होना शुरू हो जाते हैं उनका। बेशक वो जितनी मर्जी बैलेंस डाइट ले रहे हैं, लाइक सेल जो है वो डिमांड करता है कि जब उसको फूड मिल रहा है तो वो फिर यूटिलाइज भी हुआ जाए, मेटाबोलाइज भी हुआ जाए, तो उसके लिए एक्सरसाइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक ये सोच लिया जाए सिर्फ मैं बैलेंस डाइट जी मैं तो सही से मतलब अपना ले रहा हूँ डाइट प्लान, तो उस चीज को फॉलो करके उसके साथ एक्सरसाइज तो बहुत जरूरी है। और हमने कोई भी नहीं करता यूजली, टाइम अभी तो इतना टाइम भी नहीं होता और इसी वजह से ये डिजीजेस बढ़ रही हैं। बाढ़ रही है, बिल्कुल ठीक है। तो हाइपरटेंशन में भी आपने बताया, अच्छा मैंने किसी जगह पे ये पढ़ा भी था कि जो साइकोलॉजिकल जो स्ट्रेसेस हैं या बर्नआउट नहीं बेहतर तरीके से होता, तो इसकी वजह से भी जो डायबिटीज है वो किसी तरीके से कॉज करता है, क्या ये बात ठीक है या ये भी सिर्फ मिथ ही है कि बेसिकली साइकोलॉजिकल? स्ट्रेस को कुछ लोग स्ट्रेस फैक्टर को कहते हैं कि स्ट्रेस की वजह से डायबिटीज होती है, लेकिन मैंने बहुत सी जगहों पर इस चीज को पढ़ा है, उस चीज में मैंने ये चीज फाइंड आउट नहीं की है कि लाइक स्ट्रेस की वजह से डायबिटीज हो सकती है। स्ट्रेस की वजह से डायबिटीज हो नहीं सकती है, हाँ स्ट्रेस उसको एग्रेवेट कर सकते, और जिसको डायबिटीज हो गई है उसको स्ट्रेस फैक्टर, जैसे हाइपरटेंशन में ब्लड प्रेशर में ये होता है कि अगर कोई स्ट्रेस में आ गया तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, शूट अप कर जाता है। इसी लिहाज से अगर कोई डायबिटिक है और उसको कोई स्ट्रेस एकदम स्ट्रेस मिला है या उसकी शुगर लो हो जाएगी सडन, क्योंकि बॉडी उसकी बैलेंस में है ही नहीं, उसके सेल्स बैलेंस में नहीं वर्क कर रहे, तो फिर नेचुरली उसमें इंसुलिन का कभी एकदम इंक्रीज गश होगा, कभी डिक्रीज गश की वजह से हाइपो या हाइपर स्टेट में जा सकता है। ऑल राइट। तो डॉक्टर ना ये भी काइंडली बताइए, जितने हमारे व्यूअर्स हैं वो लाजमी इस हवाले से जानना चाहते हैं कि शुगर जो हाई होना या फिर शुगर लो होना, तो अगर वो अपनी फैमिली में या खुदा ना खास्ता उनको ये प्रॉब्लम हो गया, तो वो इसको किस तरह से डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं कि इस वक्त जो उनके लव वन है, उनके पेरेंट्स में से कोई है, उसकी शुगर जो है वो लो, उसके क्या ऐसे सिम्टम्स होते हैं कि लोग थोड़ा सा उसको पहचान सके, या अपने आप में अगर ये हमें फॉर एग्जाम्पल ये हो तो किस तरह से उसको बंदा जान सके कि इस वक्त मेरी शुगर लो है या मेरी शुगर हाई है, उसके कोई इंडिकेटर्स आप थोड़े से बताएं तो ज्यादा लोग इसके बारे में जान सकेंगे। देखिए बेसिकली जो 4 बेसिक सिम्टम्स आते हैं ना डायबिटीज के, वो ही इस चीज आपके क्वेश्चन को आंसर कर देंगे कि हाई या लो शुगर को। लाइक हाई में आपका क्या है कि हम लोग इसे कहते हैं पोलीफेजिया, पोलीफेजिया में क्या है कि भूख बहुत ज्यादा लगेगी क्योंकि देखें ग्लूकोज सेल्स में नहीं जा रहा, ठीक है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई टाइप 2 में, और टाइप 1 में तो इंसुलिन ही नहीं है, तो ग्लूकोज नहीं जा रहा सेल्स में, सेल्स चाहे वो मसल सेल्स हैं चाहे वो फैट सेल्स हैं वो स्टार्व हो जाएंगे। जब उनके स्टार्वेशन स्टार्ट हो जाएगी तो वो भूख बहुत ज्यादा हंग्री बहुत ज्यादा मतलब वेट लॉस होना शुरू हो जाता है अक्सर सेल सेल ब्रेकडाउन की वजह से, फैट सेल और मसल सेल की ब्रेकडाउन की वजह से, तो बंदा वीक हो रहा होता है, वेट लॉस हो रहा होता है लेकिन भूख बहुत लगती है, ये पहला फैक्टर आ जाता है। मतलब मैंने आपको इसको फिजियोलॉजी भी बता दिया, सिर्फ उसका सिम्टम नहीं बताया ये भी बताया कि क्यों होता है, ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है पोलीडिप्सिया, वो ऐसा है कि उसमें प्यास बहुत लगती है, अब किडनीज की तरफ ग्लूकोज रश कर रहा होता है तो उसकी वजह से बार 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 प्यास की सेंसेशन आती है, ठीक है। फिर आ जाती है जब ग्लूकोज कम है तो टायर्डनेस की फीलिंग आएगी, वीकनेस की फीलिंग आएगी, स्वेटिंग फेंटिंग चक्कर आना इस तरह से फीलिंग होना शुरू हो जाएगी। और उसके अलावा इसमें आ जाता है कि यूरिन में भी ग्लूकोज मतलब बेसिकली शुगरी सी स्मेल होती है, वो उससे भी इंसान को आइडिया होना शुरू हो जाता है, और बहुत ज्यादा यूरिनेशन, एक्सेसिव यूरिनेशन एट नाइट एंड ड्यूरिंग डे टाइम ऑल्सो, क्योंकि पोलीडिप्सिया हो रहा है, बार बार प्यास लग रही है, जब पानी बहुत ज्यादा पी रहे हैं तो फिर
यूरिन भी बहुत ज्यादा पास हो रहा है, लेकिन उसके अलावा भी जो है ग्लूकोज एक ऐसा फैक्टर है जो सेल्स मतलब उसको खींचता है पानी को अपनी तरफ ना, वो पानी के मॉलिक्यूल्स को खींचता है, उसकी वजह से भी यूरिन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो ये चार चीजें जिससे इंसान को पता चल जाता है कि यार इस तरह से, और उस टाइम आप अपना टेस्ट करा लें तो आइडिया हो जाता है, फास्टिंग करा लें, रैंडम करा लें तो शुगर का आइडिया हो जाएगा। ऑल राइट, तो ये दोनों सूरतों में हमें पता चल जाएगा। तो नॉर्मली ऐसी नॉर्मली कंडीशन, जी जी प्लीज देखिए, ये तो कंटिन्यू। मैंने आपको हाई का बेसिकली बताया है ना, इसका लो का ये फैक्टर आता है कि लो जो हाई शुगर है उसमें ये सारे ज्यादातर ये हाई में आते हैं, चारों के चारों सिम्टम्स। लो शुगर में इंसान फेंटिंग और उसकी ज्यादा फीलिंग आती है, ब्लड प्रेशर और शुगर सबसे पहले चेक करते हैं, या ब्लड प्रेशर लो होगा या शुगर लो होगी, और डायबिटिक को तो वैसे ही उस चीज को चेक करना होता है ना। ओके, दैट्स वंडरफुल। तो इसका जो नॉर्मल जो इसकी रेंज होती है, वो आपके ख्याल में या मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या है, कि अगर फास्टिंग में हम लोग बात कर रहे हैं या फिर हम लोग रैंडम बात कर रहे हैं, तो इसमें जो नॉर्मल रेंज है वो क्या है, और अगर इससे हम लोग एक्सेस करते हैं या उससे लो जाते हैं, तो फिर उसके क्या सूरत हाल है, वो काइंडली बताइएगा। बेसिकली हम दो स्टेट्स में इसको डिवाइड कर देते हैं, एक प्री डायबिटिक स्टेट कर देते हैं और एक डायबिटिक स्टेट होती है। जो प्री डायबिटिक स्टेट होती है उसमें ये होता है कि अगर किसी का फास्टिंग अर्ली मॉर्निंग लाइक 8 to 10 आवर्स के रात को मील लिए, 8 to 10 आवर्स के बाद उसकी शुगर चेक की, उसकी अगर शुगर 100 से 126 के बीच में अगर आ रही है फॉर एग्जाम्पल, तो वो प्री डायबिटिक स्टेट में है। ठीक है, 100 से नीचे आ रही है तो डायबिटीज है ही नहीं, लेकिन 100 से 125 तक आ रही है तो वो प्री डायबिटिक है। 126 तक या 120 125 से ऊपर जो भी आ रहा है वो फिर डायबिटीज लेवल हो जाती है। ठीक है, और ये है फास्टिंग का। और जो रैंडम में आ जाता है, रैंडम में 175 से 200 तक हम लोग उसको लेबल करते हैं प्री डायबिटिक। 200 से ऊपर अगर रैंडम आ जाए, यानी सुबह नाश्ता करने के 2 घंटे के बाद शुगर चेक की, तो अगर 200 से ऊपर आ रही है मुसलसल तो उससे भी डायग्नोज हो जाती है। उसके ओके, अलावा ये है कि ये दो लेवल्स हैं, और बाकी और चले आगे आप पूछें। चले। दूसरा, ये भी काफी ज्यादा क्वेश्चन इस हवाले से आया कि जो वेट गेन है, मतलब ओबेसिटी है, वो क्यों, मतलब रीजन करता है कि ज्यादा चांसेस हाइपरटेंशन के साथ साथ डायबिटिक के भी ज्यादा चांसेस होते हैं कि उसको ज्यादा हो जाएगा, या अंडरवेट को भी क्या उतने ही इसके थ्रेट्स होते हैं कि ये उसको भी शुगर के यानी इसके डायबिटीज के चांसेस होंगे। अंडरवेट में फैमिली हिस्ट्री काउंट करेगी, क्योंकि जो टाइप 2 डायबिटीज है ना, बेसिकली उसके अभी कॉजेस पे एक तरह से समझ ले कि वर्किंग हो रही है, मतलब रिसर्चेस जा रही है उसमें। जो ये आ जाती है ओवरवेट है, ओबेसिटी में फैट सेल्स जो है उसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। जब फैट सेल्स इंक्रीज हो जाते हैं बॉडी में तो इंसुलिन रेजिस्टेंस, फैट सेल्स बेसिकली वो जो रिसेप्टर बाइंडिंग जो होती है ना इंसुलिन और ग्लूकोज की, यानी ग्लूकोज को जो इंसुलिन ने एंटर कराना है सेल में, उस चीज को वो इफेक्ट कर देता है। तो जो मोटे लोग हैं, ओबीज लोग हैं, वो ज्यादा उनके चांसेस है कि वो डायबिटीज डेवलप करें। और जो अंडरवेट लोग हैं, अगर उनकी फैमिली हिस्ट्री है मतलब इमीडिएट पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स इनमें है, खाला मामू चाचू इसमें है, तो फिर अंडरवेट में भी चांसेस हैं। ओके, थैंक यू। और इसके अलावा प्रेगनेंसी में भी कई दफा होता है कि कुछ देर के लिए जो बताते हैं कि डायबिटिक हो गया है, वो जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है, तो वो भी, वो उसका तो कोई नहीं इतना होता कि वो कंटिन्यू करेगी, या फिर वो सिर्फ फॉर द टाइम बीइंग ही होता है, वो एक जो आता है छोटा स्पेक्ट्रम। बेसिकली वो गेस्टेशनल डायबिटीज होती है, गेस्टेशनल डायबिटीज जब एक दफा मतलब डायग्नोज हो जाती है, इसी तरह गेस्टेशनल हाइपरटेंशन, ये दोनों डिजीजेस जो है ना ये अच्छा, अक्सर प्रेगनेंसी में हो जाती हैं, जिसमें डायबिटीज शुगर का हो जाना या ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, तो ये दोनों गेस्टेशनल कहलाती हैं। और जैसे गेस्टेशनल पीरियड ओवर होता है साथ ही ये खत्म हो जाती है। और तो ये है कि थोड़ा टाइम ऑब्वियसली वो चीज लेगी, लेकिन हो जाती है पोस्टमार्टम 40 डेज या उसके बाद रिजोल्व हो जाता है मसला, अगर तो स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री नहीं है उस खातून की।
अदरवाइज ये प्रोलॉन्ग भी कर सकती है या कंटिन्यू भी रह सकती है अगर। अगर स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है तो फिर उसको बहुत ज्यादा उस लेडी को विजिलेंट रहना पड़ता है डाइट में, एक्सरसाइज में, कि वो उस चीज को रिवर्ट बैक कर ले। ऑल राइट तो इसमें डॉक्टर साहब कितने चांसेस हैं कि जैसा पहले भी मैं एक सवाल किया था लेकिन इसको दूसरी तरह से, कि अगर पेरेंट्स में ये है और जो बहुत छोटे बच्चों में जब ये डायग्नोस होता है तो उसकी रीजन यही है कि वो जेनेटिकली ट्रांसफर हुआ है या फिर बाद में भी छोटी एज में किसी बच्चे को ये हो सकता है प्रॉब्लम? देखिए, छोटी एज में जैसे मैंने आपको पहले बताया ना कि छोटी एज में यूजुअली अभी तक भी यही है कि टाइप वन ही है छोटी एज में, तो वो तो ओके जेनेटिकली ही हो रहा होता है। राइट 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 तो इसके अलावा तो कोई ऐसा नहीं होता कि बहुत छोटी एज में और भी वजह बन सके जैसे फूड या फिर कुछ इस तरह से या लाइफ स्टाइल? फूड फैक्टर नहीं होता छोटी एज में। हाँ जी, ये है कि अगर टाइप टू किसी ने डेवलप कर ली है, लाइक हम लोग एज कहते हैं ना कि टाइप टू की एज पहले 50+ होती थी, और जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो रही है ना, और जिसमें इंसुलिन हो ही नहीं, जो टाइप वन है वो यूजुअली होती थी 40 से पहले, यानी अर्ली चाइल्डहुड में। अब ये पहले भी मैं बता रही थी आपको कि ये अब दोनों एजेस में आ जाती है। लाइक टाइप टू जो छोटे बच्चे हैं 10-12 ईयर्स के, अगर वो ओबीस है तो उनमें चांसेस हैं कि वो टाइप टू भी डेवलप कर सकते हैं। एक्सेसिवली ओबीस लोग या जिनमें कोमॉर्बिडिटी है वो बच्चे जो हैं, वरना नॉर्मली ये जेनेटिक ही है और टाइप वन ही है ये। ऑल राइट तो भैया आपका हम लोगों ने काफी ज्यादा टाइम ले लिया लेकिन बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आपने इसमें दी। बस एक चीज और जानना मैं जरूर चाहूंगा कि जितने भी इस वक्त यंगस्टर्स इसको देख रहे होंगे तो वो जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि मेरी अपनी भी ख्वाहिश ये होती है कि ये लोग एटलीस्ट जो हमारा फ्यूचर है, तो किस तरह से कौन से ऐसे फूड्स हैं जो यूज करें या अपनी रूटीन का हिस्सा बना ले ये लोग, ताकि कम से कम चांसेस हो के वो इस तरह की सूरत हाल में आ सके, उनको डायबिटीज से बच सके वो एक्चुअली। जी 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 फूड में बेसिकली जो है जितना भी बैलेंस फूड है ना, बैलेंस डाइट, वो यूज करें तो उस चीज से इंसान डायबिटीज से प्रिवेंशन कर सकता है। लाइक फूड है और एक्सरसाइज है, और उसमें बैलेंस डाइट में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, ये मतलब ब्रेकफास्ट में आप एक बैलेंस तरीके से लें, डिफरेंट चीजें यूज कर सकते हैं, ओट्स, एक्सेसिव प्रोसेस फूड, बेकरी आइटम्स नहीं यूज करें, अवॉइड करें जितना हो सकता है। ठीक है, डेली यूज में भी जंक फूड को अवॉइड किया जाए, उससे भी बचा जा सकता है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल को अवॉइड किया जाए, मॉर्निंग और इवनिंग में वॉक, स्पोर्ट्स, इन चीजों को, मतलब इंडोर गेम्स की बजाय आउटडोर गेम्स को प्रेफर किया जाए। यंगस्टर्स में हम लोग ये एडवाइस ज्यादा करते हैं। ऑल राइट और जो मतलब एल्डर हैं या जो जिन लोगों को ये प्रॉब्लम हो चुका है तो वो तो ऑब्वियसली फिर वो इंसुलिन इस तरह से जो भी उनको डॉक्टर ने कह दिया, क्या ये वाकई ठीक है कि एक दफा अगर डॉक्टर ने उनको प्रेस्क्राइब कर दिया है कोई इंसुलिन या फिर कोई टेबलेट्स तो वो फिर लाइफ लॉन्ग उन लोगों को लेना ही पड़ेगी, या फिर कुछ चांसेस होते हैं कि वो रिवर्ट हो सकते हैं अपनी लाइफ की तरफ? देखिए, रिवर्ट बैक तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि टाइप वन तो रिवर्ट बैक नहीं हो सकता। ठीक है, टाइप टू डायबिटीज जो है वो उसके जहाँ है कि वो इरिवर्सिबल डिजीज है, और वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से अक्सर मेडिसिन कुछ लोग स्टार्ट ही नहीं करते हैं, क्योंकि एक और भी बहुत ज्यादा कॉमन आ रहा है ये कि जो है मेडिसिन भी एग्रेवेट कर जाती है, कर देती है इस कंडीशन को। जैसे कोलेस्ट्रोल लोअरिंग मेडिसिन है, वो कोलेस्ट्रोल को डिक्रीज करती है, लेकिन एक टाइम के साथ वो डायबिटीज और बाकी डिजीजेस को भी बढ़ा रही होती है। लोग जैसे कहते हैं साइड इफेक्ट्स में आ रहा होता है, तो इसी लिहाज से इवन जो डायबिटीज की ड्रग्स हैं वो भी उसको उस चीज को बढ़ाते जाते हैं। तो बेसिकली ये कि अगर सबसे पहले तो ट्राई यही करें इंसान के लाइफस्टाइल चेंजेस से अपनी एक बैलेंस डाइट प्लान स्टार्ट कर दें, जैसे प्री डायबिटीज लेबल हो गया ना, डाइट प्लान स्टार्ट कर दें। और उसमें एक चीज मैं आपको बता दूं जो माइट भी आप आगे के क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, कि इसका आप 3 मंथ्स का एक HbA1c का टेस्ट होता है, जिनकी हिस्ट्री होती है ना, इसकी डायबिटीज की फैमिली हिस्ट्री है, वो HbA1c का टेस्ट करा लेते हैं, 3 मंथ्स का रिकॉर्ड आ जाता है, उससे पता चल जाता है कि प्री डायबिटिक स्टेज में या किसी और स्टेट में जा तो नहीं रहे। अगर ऐसा हो जाता है तो उस केस में फिर वो हेल्दी डाइट प्लान फॉलो करना शुरू कर दें,
और एक्सरसाइज और मतलब बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं उन उससे फौरन रिवर्ट बैक हो जाता है, मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती। अरे वाह, जबरदस्त, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। तो वैसे आपका क्या कि मतलब कब ये टेस्ट करवाना चाहिए, किस एज के लोगों को ज्यादा ये करवाना चाहिए, या फिर हर 6 महीने बाद या 3 महीने बाद, आपके ख्याल में क्या कब करवाना चाहिए, या कौन से ये ऐसे टेस्ट हैं? बेसिकली हर किसी के लिए सजेस्टेड नहीं है, ये उनके लिए सजेस्टेड है जिनको फॉर एग्जांपल जिन्होंने अपना ब्लड शुगर लेवल चेक कराया है, ठीक है, उनका एक दफा थोड़ा ज्यादा आ गया, फिर कराया तो नॉर्मल आ गया, फिर कराया तो ज्यादा आ गया, कभी फास्टिंग ज्यादा आ गया, कभी दूसरा ज्यादा आ गया। अक्सर आप देखते होंगे कि जैसे ब्लड टेस्ट कराते हैं हम लोग तो किसी टाइम एकदम बहुत हाई ब्लड शुगर लेवल आ जाता है, तो इंसान डर जाता है कि यार ये क्या, और फिर अगली दफा कराएं तो बिल्कुल नॉर्मल। तो अक्सर हाँ ये जो कंपाउंडर्स और लोग भी बैठे होते हैं ना गली वगैरह में लेकर ग्लूकोमीटर, जी 50 रुपए में शुगर चेक करा ले, उनके पास से भी अक्सर कभी ज्यादा कभी कम आ जाता है। तो जब इस तरह का फैक्टर बार बार हो रहा है एक बंदे के साथ और उस लेडी मेल या फीमेल दोनों में से जिसकी भी फैमिली हिस्ट्री स्ट्रांग है ना, वो फिर HbA1c करा ले, वरना ये नहीं है कि 3 to 6 months, इसका ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। अच्छा, दैट्स गुड, दैट्स गुड। चलें जी डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर रियली प्रेशियस टाइम, एंड दैट वाज अ वेरी क्वालिटी काइंड ऑफ टाइम स्पेंड विद यू। ये बहुत थैंक ज्यादा इंफॉर्मेशन आपने जो स्पेशली जनरेशन को दी, और जिनको वाकई में जरूरत थी कि, और इसके बारे में स्पेशली हर एक को पता होना। एक्चुअली वही प्रॉब्लम है ना कि हमें जब कोई मसला आता है तो फिर हम लोग किसी के पास रश करते हैं कि यार उसे जरूर कंसल्ट करना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे हेल्थ इंडिकेटर्स हैं या ऐसी हेल्थ की इंफॉर्मेशन है जो एटलीस्ट इन लोगों तक हो, तो ये लोग पहुंचा सकते हैं अपने दूसरे लोगों तक, अपनी एज के लोगों तक, या अपने बड़ी एज के लोगों को एटलीस्ट बता तो सकते हैं उस हवाले से। बेसिकली तो ये है कि मैं ये समझती हूँ कि जैसे मैंने एक मतलब सीए ब्रेस्ट पे भी एक दिया था सेशन गिफ्ट यूनिवर्सिटी में जाके ऑन साइट, और उसमें भी कुछ की पॉइंट्स मैं देकर आई थी जिसमें मैंने फील किया था, और इधर भी मैं कुछ की पॉइंट्स दे रही हूँ जिससे मुझे कोई एक पॉइंट भी ये लोग याद रख लेना और कहीं को अपने फैमिली में बड़े बूढ़े या खुद को भी खुद पे अप्लाई करें तो उससे बहुत हाँ ज्यादा पॉजिटिव इम्पेक्ट आएगा, कम से कम हमारा हमारा लेक्चर देना या समझाना किसी काम आएगा। एग्जैक्टली, और बिल्कुल ये कार्य है और सदका जारी है जी। हमारी तरफ से जो एक मैसेज है फ्री लोगों के लिए, जरूर इसको, चले किसी का 1% भी अगर फायदा हो जाता तो ये बहुत बड़ा एक काम उनके लिए होगा, जो इस डिस्कशन से शायद एक मैसेज उन लोगों तक। आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, और इंशाल्लाह दोबारा एक अवार्ड से